हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गया हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में, जो आपको अक्टूबर के महीने में इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं। तो दोस्तों, यदि आपको जानना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग की। तो गाइस, जो सैमसंग गैलेक्सी A41 है, ये आपको 8 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा। मैंने इस स्मार्टफोन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। यदि आपको ज़्यादा जानना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस होगी, आपको 14,000 या फिर 15,000 रुपये इसकी प्राइस देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, आगे बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी फैन एडिशन की। तो दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन एक ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, यहाँ पे आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर मिलता है। और दोस्तों, हो सकता है ये दोस्तों इंडिया में एक्सियन 990 के साथ आए। और दोस्तों, जिसकी प्राइस है वो लगभग आपको 50,000 के आसपास ही देखने को मिलने वाली है। तो क्या आप एक्साइटेड हो सैमसंग के न्यू स्मार्टफोन्स के लिए? आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों, आगे बात करते हैं एप्पल आईफोन्स की। आईफोन की जो 12 सीरीज है, आपको अक्टूबर के महीने में इंडिया में लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। इस बार आपको यहाँ पे 4 आईफोन्स मिलने वाले हैं, आईफोन 12, 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही इन स्मार्टफोन का एक लाइटर वर्जन भी होने वाला है, आईफोन 12 मिनी के नाम से। और दोस्तों, इन सारी फोन्स में आपको एप्पल की लेटेस्ट और पावरफुल चिप A14 बायोनिक मिलने वाली है, जो कि दोस्तों बहुत ही पावरफुल है। लेकिन दोस्तों, प्राइस भी इन स्मार्टफोन का काफी ज्यादा होता है, आपको तो पता ही है। लेकिन दोस्तों, मैं एक्साइटेड हूँ आईफोन 12 मिनी के लिए, किसकी प्राइस क्या होती है इंडिया में। और आगे बात करते हैं एसुस की। तो दोस्तों, जो एसुस की 7 सीरीज है, वो तो ग्लोबल लॉन्च हो ही चुकी थी, और हो सकता है अक्टूबर के महीने में ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। यहाँ पे आपको 2 स्मार्टफोन मिलते हैं, एसुस 7 और 7 प्रो। यहाँ पे आपको काफी चीज एस्पिरेशन भी मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 865 और 865 प्लस वाले प्रोसेसर है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, जो कि दोस्तों एक फ्लिप कैमरा है। यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी मिलती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। लेकिन दोस्तों, मेन बात आती है प्राइस की, कि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है, किस प्राइस पॉइंट पे इंडिया में लॉन्च होते हैं। तो दोस्तों, मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यदि आप एक्साइटेड हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं वन प्लस की। तो दोस्तों, जो वन प्लस का 8T है, इसकी लॉन्च डेट सामने आ चुकी है, 14 अक्टूबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात जो है समझ नहीं आती, क्योंकि दोस्तों जो वन प्लस की 8 सीरीज थी, कुछ टाइम पहले उसे वन प्लस ने लॉन्च किया था। तो क्या दोस्तों, वन प्लस 8T को इतना जल्दी लाना क्या सही है? क्या आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर मिलता है, 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और दोस्तों, देखते हैं आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। मेन बात आती है प्राइस की, कि स्मार्टफोन की प्राइस क्या होती है। वैसे दोस्तों, मैं तो एक्साइटेड नहीं हूँ स्मार्टफोन के लिए, यदि आप हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। और दोस्तों, आगे बात करते हैं गूगल की। सो गाइस, जो गूगल का 4A है, फाइनली दोस्तों आपको अक्टूबर के महीने में इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। ये दोस्तों काफ़ी कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होगा, 30,000 के आसपास इसकी प्राइस होगी। और दोस्तों, आपको तो कैमरे का पता ही है, क्योंकि दोस्तों जो गूगल के कैमराज होते हैं, काफ़ी कमाल के होते हैं। लेकिन दोस्तों, देखते हैं किस प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन आता है और अक्टूबर में ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होता है। तो दोस्तों, क्या आप गूगल के स्मार्टफोन को प्रेफर करते हो? क्या आपको इनके स्मार्टफोन पसंद आते हैं? नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों, आगे बात करते हैं रियलमी, Xiaomi, ओप्पो और वीवो की। जी हाँ दोस्तों, इन सारे ब्रांड्स को हम एक साथ ही कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं रियलमी से। तो दोस्तों, रियलमी का 7i आपको अक्टूबर के महीने में इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता इस स्मार्टफोन की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी रियलमी ने काफ़ी सारे स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। Xiaomi की बात करते हैं तो गाइस, रेडमी का K30 Pro। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ग्लोबली बहुत टाइम पहले लॉन्च हो चुका है, लेकिन दोस्तों इंडिया में अभी तक इसे लॉन्च नहीं किया गया है। तो हो सकता है अक्टूबर के महीने में ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो जाए। और दोस्तों, ओप्पो की बात करते हैं। सो गाइस, ओप्पो की F21 सीरीज आपको अक्टूबर के महीने में इंडिया में लॉन्च होती हुई देखने को मिल सकती है। हाल ही में दोस्तों, ओप्पो ने F17 सीरीज को लॉन्च किया था। वीवो की बात करते हैं तो दोस्तों, वीवो की V20 सीरीज भी आपको अक्टूबर के महीने में इंडिया में लॉन्च होती हुई देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे आपको 3 स्मार्टफोन मिलते हैं, V20 Pro और V20 SE। तो दोस्तों, देखते हैं स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड हो Realme, Xiaomi, Oppo, Vivo के स्मार्टफोन्स के लिए? आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और फाइनली दोस्तों, आगे बात करते हैं Motorola की। तो दोस्तों, Motorola की तरफ से भी आपको अक्टूबर में एक स्मार्टफोन डेफिनेटली लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसका नाम तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों ये कन्फर्म जरूर है कि Motorola भी एक स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है इंडिया में। हाल ही में दोस्तों, Motorola ने E7 Plus को लॉन्च किया था, वो भी दोस्तों काफ़ी डिसेंट स्मार्टफोन था। तो दोस्तों, ये थे वो टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन जो आपको अक्टूबर के महीने में
में इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। आप दोस्तों सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन से स्मार्टफोन के लिए हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर के बिना कहीं मत जाना। मिलेंगे आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।